मालूम है वो गीत आज तक मधुमती मधुमती फिल्म का गाना जोनिया कार ने गाए है थोड़ा पी कर याद है या? जंगल में मोर नाचा अच्छा यही है गाने का बोल अच्छा संगीत से सजाया है सलील चौधरी ये बंगाल का बहुत नामी आदमी है बंगला में बहुत गाना उन्होंने गैर फिल्म के गाना बहुत लिखे हैं संगीत में दिए हैं और बंगला फिल्म में भी बहुत संगीत दिए हैं है? और बहुत सुरीली सुरीली गाना उन्होंने लिखते हैं वही बंगाल का गाना गैर फिल्म का जो गाना होता था हिंदी में जो गाना लिखते थे आप लोग को याद है हैं तो तस्वीर तेरी दिल में बंगला गाना है इसको ऐसे किया तब हरिम जिम रिम जिम भी बंगला गाना है सब बंगला गाना को लेकर हिंदी में दिए हैं बहुत सुपर सुपर हुआ है मैंने ऐसा संगीतकार कमी होती है एक जगह का गाना लेके एक ही सुर में रख के एक ही अंतरा रख के जो गाना बनाते हैं हाँ तो वही है सलील चौधरी तो सुनिए नगमा अच्छा फिल्म का नाम है मधुमती गीत लिखा है शैलेंद्र साहब ने और संगीत से सजाए सलील चौधरी जुनिया करके गले में रोकी साहब कैसे तरीका से गाए हम आप लोग को बोलते हैं तो देखिए रोकी साहब मामूली आदमी नहीं है ऐसा जो सिंगर होते हैं हजारों साल का बाद एक बार आते हैं है? हर स्टाइल जिसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेट मान चुम्मा जहाँ लगा दे वहाँ लग जाएंगे ऐसे ही है मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसा गाना नहीं है जो बोले हैं ये गाना हम नहीं गाएंगे ये नहीं सकेंगे ये बात कहीं कभी नहीं कहा गाया नहीं हो तो बस ठीक है दूसरे को सभी गाएंगे तो आउट तो जुड़ा है उन लोग को तो थोड़ा चांस मिलना चाहिए ना तो वही है तो जो हो रोपी साहब बहुत बढ़िया ढंग से गाए वाला मालूम होता है रोपी साहब खुद के गा रहा है तो सुनिए नगमा कैसे तरीके से गाए वाह वाह जवाब नहीं रोपी साहब का है तो सुनिए नगमा